सदर सांसद रवि किशन ने पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर गिरधरगंज वार्ड में घर घर जनसंपर्क अभियान में भाग लिया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल पूरा हुआ है। इन 9 सालों में पूरे देश का विकास हुआ है तथा हर तबके को योजनाओं का लाभ मिला है, जिसको लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, बेटियों की शादी और लोगों को सम्मान मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी यदि पाकिस्तान की पार्टी से भी समझौता कर लें तो भी वो भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। इस अवसर पर पार्षद रणविजय सिंह, जुगनू मंडल अध्यक्ष अष्टभुजा श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री प्रदीप सिंह, सेक्टर संयोजक विशाल निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, सभी देवतुल जनता गोरखपुर से ये कहना चाहूँगा कि राम राज्य कभी ऐसा सोचा नहीं था, इतना सुंदर तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को दिया है। जहाँ विकास भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है, विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.4 हो गई है, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, सम्मान, बेटियों को शादी ब्याह योजनाएं, अनगिनत गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए ऐसी पार्टी आएगी जो इस भारत को विश्वगुरु के रास्ते पर ले जाएगी, कभी इस भारत ने भी नहीं सोचा था। हम सभी लोग बहुत गर्व कर रहे हैं और जो माहौल दिख रहा है मुझे 2024 का, 300 से ज़्यादा सीटें, 350 भी हो जाएगी या 375 भी हो जाएगी, मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा। 80 सीटें तो उत्तर प्रदेश से आ रही है, यहाँ से पूज्य महाराज जी 80 सीटें हम सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे और दोबारा मेरा भारत बहुमत की सरकार में भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और ये विकास की गंगा निरंतर बढ़ती रहेगी। भले ही कितने भी विरोधी, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्षियों को भी, सारे जाके पाकिस्तान से भी कोनो पार्टी से समझौता कर लीजिए, अब सब लोग भी मिलकर मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।